Hi kids, today we are going to start chapter 1 of class 1st English literature. The name of the poem is My Own Sweet Home. My Own Sweet Home means Mera Apna Pyara Ghar. My means Mera, OW and On means Apna, Mera Apna. Sweet means Pyara, Home means Ghar. Mera Apna Pyara Ghar. My Own Sweet Home. Children, which is the most स्पेशल प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर यू. वर्ल्ड मीन्स संसार. इस संसार में सबसे स्पेशल जगह आपके लिए कौन सी है. इज योर होम स्पेशल बिकॉज यू एंड योर फैमिली लिव इन इट. क्या आपके लिए स्पेशल आपका घर है क्योंकि आप इसमें अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, राइट. और आप अपने घर को क्या कहकर बुलाते हैं. डू यू कॉल इट होम स्वीट होम. क्या आप इसे कहते हैं होम स्वीट होम. लेट अस रीड दिस पोएम टू नो हाउ आवर होम इज स्पेशल. आज इस पोएम में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा घर कैसे स्पेशल है. सम हाउसेस आर बिग, सम हाउसेस आर बिग एंड सम आर स्मॉल. सम हाउसेस आर वाइड एंड सम आर टॉल. सो मैनी हाउसेस Wherever I roam, but the best of all is my own sweet home. Children, सबसे पहले हम देखते हैं word meaning some. Some means कुछ. Houses घर को कहते हैं. एक से अधिक घर है तो हम उसमें s का यूज करते हैं. Houses. B-I-G big means बड़ा. जो हाउस साइज में बड़ा है उसे हम बिग यूज करते हैं उसके लिए. ए एंड डी एंड मिस और. स्मॉल मिस छोटा. वाइड मिस चौड़ा. ऐसा हाउस जो कि अधिक स्पेस में बना हो उसे हम कहते हैं वाइड. टॉल मिस ऊंचा. जैसे टॉल ट्री होते हैं उसे हम कहते हैं टॉल, ऊंचा. सो मैनी मिस बहुत सारे, कई. वेयर एवर मिस कहीं भी, किसी भी जगह. आर ओ एम रोम मिस इधर उधर घूमना. गो हियर एंड देयर, इधर उधर घूमना. बट मिस लेकिन. द बेस्ट ऑफ ऑल मिस सबसे अच्छा, सब में बेस्ट. ओ डब्ल्यू एन मिस अपना. स्वीट मिस प्यारा या गुड. चिल्ड्रन, सम हाउसेस आर बिग. कुछ हाउसेस साइज में बड़े होते हैं, बिग होते हैं. और कुछ कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. कुछ हाउसेस कैसे हैं, वाइड हैं, चौड़े बने हुए हैं. और कुछ हाउसेस, कुछ घर कैसे हैं, टॉल हैं, काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं. बहुत से हाउसेस हैं ये, कहीं भी मैंने बहुत से हाउसेस को देखा है. इधर उधर मैं गया हूँ या मैं गई हूँ और मैंने बहुत से हाउसेस देखे हैं. इधर उधर मैंने अपने फ्रेंड के घर, अपने रिलेटिव के घर मैंने बहुत से हाउसेस को देखा है. कभी किसी के घर, कभी किसी घर मैं जा चुका हूँ. लेकिन इन सभी हाउसेस में, सभी हाउसेस मीन्स कोई हाउस छोटा बना हुआ है, कोई बड़ा है, कोई ऊँचा है, कोई टॉल है, कोई वाइड है, इन सभी हाउसेस में सबसे अच्छा घर कौन सा है. मेरा अपना घर, माई ओन स्वीट होम, जो कि मेरा सबसे अच्छा घर है. चिल्ड्रन, हाउस और होम में डिफरेंस क्या है. हाउस का मीनिंग भी होम है, सॉरी घर है, और होम का मीनिंग भी घर है, राइट. होम वर्ड हम यूज करते हैं अपने घर के लिए, जबकि हाउस यूज किया जाता है दूसरे के घर के लिए. मैं जैसे आपके फ्रेंड का घर है तो आप यूज करेंगे हाउस. किसी आपके रिलेटिव का घर है, आंट का घर है, तो आप यूज करते हैं हाउस. जबकि आप अपने घर के लिए यूज करते हैं वर्ड होम, HOME, होम. क्लियर. नाउ कॉम्प्रिहेंशन स्किल में आपको करना है सर्कल द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ हाउस इन ईच रो. यहाँ आपको 4 रो गिवन है और आपको हर एक रो में, हर एक लाइन में एक वर्ड को सर्कल करना है. ऐसा वर्ड जो कि हाउस को डिस्क्राइब करता है, जो कि हाउस के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताता है.
फर्स्ट में वर्ड है मेड, फैट, बिग, फन. तो मेड तो हम यूज नहीं करते हाउस के लिए, ना ही फैट वर्ड यूज होता है. आप यूज करेंगे बिग, तो आप सकल कीजिए BIG बिग को. फन वर्ड भी यूज नहीं होता हाउस के लिए, राइट. सेकंड में थिन, नो. सैड, नो. फूड, नो. स्मॉल, यस. हॉट, क्या हाउस हॉट होते हैं? नो. वाइड, यस. हाउस वाइड होते हैं. स्वीट, हाउस स्वीट हो सकते हैं? यस. डल, नो. टॉल, हाउस टॉल होते हैं, राइट. सॉर मीन्स खट्टा, ये तो नहीं हो सकता. कोल्ड, नहीं. बोल्ड, नो. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फर्स्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम. यहाँ आपको पोएम की फर्स्ट फोर लाइन्स गिवन है जिन्हें आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट लाइन इज सम हाउसेस आर बिग, आपको लिखना है आर बिग. सेकंड में आपको लिखना है स्मॉल, एंड सम आर स्मॉल. नंबर थर्ड में आप लिखेंगे आर वाइड. नंबर फोर में आपको लिखना है टॉल. नाउ लैंग्वेज स्किल कंप्लीट करते हैं. नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ हाउस. यहाँ आपको एक हाउस के पार्ट्स के पिक्चर्स गिवन हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और बॉक्स में जो वर्ड गिवन है उनकी हेल्प से. ये आपको एक बॉक्स है जिसमें फोर वर्ड्स गिवन है, इनकी हेल्प से आपको इनकी पिक्चर को आइडेंटिफाई करके, मीन्स इन पिक्चर्स को पहचान कर उनके सामने वो वर्ड लिखना है. क्लियर? तो चिल्ड्रन फर्स्ट पार्ट है हाउस का एक फ्लोर, घर का फर्श. ये आप देख सकते हैं घर का क्या है, फर्श है, किसी घर का फ्लोर है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर FLOOR, फ्लोर मीन्स फर्श. रूफ, रूफ क्या होता है? घर की जो छत होती है, जैसे हमारा घर में फर्श होता है, फ्लोर होता है, ऐसे ही जो छत है, रूफ है, वो ये वाला जो पार्ट है हमारा सेंटर में, आप देख सकते हैं ये रूफ है. टेरेस क्या है? टेरेस पूरे रूफ के साथ साथ जो उसकी बाउंड्री है, पूरा जो पार्ट है हाउस की छत का, जो पूरा हिस्सा है जिसके साथ बाउंड्री भी अटैच्ड है, रूफ भी है, उसको मिलाकर हम कहते हैं टेरेस, राइट. इसके बाद आपका नेक्स्ट पिक्चर है सीलिंग का. सीलिंग हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारे घर के अंदर से हम जो छत वाला पार्ट देखते हैं, जहाँ हमारा फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, उस पार्ट को कहते हैं सीलिंग. घर के अंदर आप देखते हैं ऊपर की ओर छत दिखाई देती है आपको, इसे हम कहते हैं सीलिंग, जिसमें फैन लगे होते हैं. क्लियर? नाउ आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग हाउसेस. चिल्ड्रन यहाँ आपको कुछ हाउसेस के पिक्चर्स गिवन है, और इसमें हिंट गिवन है जिसे आपको कंप्लीट करना है, हाउसेस के नेम कंप्लीट करना है. क्लियर? सबसे पहले आपका है इग्लू. इग्लू क्या है? एक कोल्ड रीजन में बना हुआ हाउस है, जो कि बर्फ से बना हुआ होता है हाउस, इसे हम कहते हैं इग्लू. हट, ये आप मोस्टली देख सकते हैं विलेजेज में, टेम्प्रेरी हाउस है. बंगलो, बंगलो में आपको क्या फील करना है? BUNGALOW, बंगलो. एक बिग हाउस को हम कहते हैं बंगलो, वेरी बिग हाउस. क्लियर? टेंट, ये टेम्प्रेरी हाउस है, जो कि एक तरह का क्लोथ यूज किया जाता है इसमें, जिसे हम कहते हैं टेंट हाउस. कारवान, ये हाउस भी टेम्प्रेरी है और चलता फिरता हाउस है ये, जो कि वैन के अंदर बनाया जाता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू.